अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क का अस्तित्व एक बार फिर सरकार की नीतियों के कारण खतरे में पड़ता दिख रहा है। दरअसल गुरुग्राम जेएमजी रोड स्थित अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क तकरीबन 8 साल पहले ही यहां स्थानीय लोगों, जिला प्रशासन और एनजीओ की मदद से डेवलप किया गया था, जिसके चलते तकरीबन 350 एकड़ में फैले इस जंगल में से 6 लाइन रोड निकाला जाना प्रस्तावित है, जो कि एमजी रोड से शुरू होकर गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल के पास से गुजरता हुआ NH 48 तक जा मिलेगा। लेकिन सरकार के इस कदम से जहां अरावली में रहने वाले वन्य जीव प्राणियों के जीवन पर संकट मंडराने लगा है, तो वहीं पर्यावरण की दृष्टि से भी इतने बड़े जंगल के भूभाग पर खतरा मंडराने लगा है। वहीं इस मामले में सैकड़ों लोग, जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क में जमा होकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं एनजीओ आईएम गुरुग्राम की लतिका ठकराल की माने तो तकरीबन 70 कॉरपोरेट घरानों ने इस पार्क को बनाने की बड़ी भूमिका निभाई है। लतिका की माने तो सरकार इस एरिया में 22 एकड़ भूमि से रोड निकाले जाने की बात सामने आ रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह रोड अगर यहां से निकाला जाता है तो इससे यह 350 एकड़ का अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क प्रभावित होगा, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मेरा नाम लतिका ठकराल है और मैं आईएम गुड़गांव से हूँ। ये एक एनजीओ है और बायोडाइवर्सिटी पार्क को बनाने में गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व है। ये प्रोटेस्ट है किस लिए, दरअसल समझाने की कोशिश की? आई डोंट नो, हमको इसको प्रोटेस्ट बोलना चाहिए नहीं, पर ये हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि ये जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है, ये 380 एकड़ का लैंड है। इन 8 सालों में इसको हम लोगों ने एक फॉरेस्ट बनाया है। इधर लोगों ने अपने पैसों से प्लांटिंग की है। यहाँ पे कॉर्पोरेट, 70 कॉर्पोरेट्स इन्वॉल्व हुए हैं और ये 8 साल में आपने देखा ही होगा कि यंग फॉरेस्ट लगता है। तो हमारी ये विनती है, प्रोटेस्ट है, जो भी आप कहना चाहते हैं इसको, कि इस यहाँ से रोड नहीं जानी चाहिए। इस हमारे गुड़गांव में सिर्फ एक ही ग्रीन, कहाँ से कहाँ रोड जाना है, ये दिल्ली एम्बियंस से लेके एमजी रोड तक आएगी और इसके बीच में आधा पार्क खत्म हो जाएगा। वो बोलते हैं कि 22 एकड़ है, पर 22 एकड़ का मतलब ये होता है कि अगर आप 22 एकड़ कर रहे हैं तो उसके आगे मशीनरी, पीछे मशीनरी, मलबा, ये सब करके सारा का सारा बायोडाइवर्सिटी पार्क खत्म हो जाएगा। वहीं जहां दिल्ली एनसीआर पहले ही लगातार खतरनाक होते प्रदूषण की वजह से गैस चैम्बर में तब्दील होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर देश भर में एक के बाद एक बढ़ते शहरीकरण की भेंट ऐसे जंगल चढ़ते जा रहे हैं। जानकारों की माने तो अरावली के यह जंगल शहर की आबो हवा को प्रदूषण से बचाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ऐसे में यदि यहां रोड बनाया गया तो शहर भर को प्रदूषण के चलते और बदतर हालातों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। मेरा नाम विजय दशमाना है, मैं इस पार्क में क्यूरेटर की हैसियत से काम करता हूँ। आज जो प्रोटेस्ट हुआ, इसका मेन मोटिव है क्या, क्यों लोग आप इस तरह की ये कर रहे हैं? देखिए, जो आज का प्रोटेस्ट है, लोगों को पता चला है कि सरकार एक 6 लेन एक्सप्रेसवे NH8 एम्बियंस मॉल की तरफ से लेकर और एमजी रोड को जोड़ने के लिए और घाटा पे जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेसवे बना रही है। तो आज का प्रोटेस्ट ये है कि ये जो जंगल है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, इसको बचाया जाए, इसके ऊपर से हमें रोड नहीं चाहिए। ये इसको एक जानकारी के लिए और एक सरकार को बताने के लिए ये इकट्ठा हुए हैं लोग कि हमें ये सड़क नहीं चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए। लेकिन शहरीकरण के लिए ज़रूरी है और एक भी ऐसा टच जो है वो रोड नहीं है यहाँ पे, क्या मानते हैं आप, किस तरह से इसका सोल्यूशन निकलेगा? देखिए, यही पार्क से एक तरफ एमजी रोड जा रही है जो एक बहुत बड़ी रोड है, दूसरी तरफ से आपके NH8 जा रहा है। NH8 और एमजी रोड, तीन जगह, यहाँ से बहुत दूर तक नहीं, इफको चौक तक तीन जगह मिलती है आपके साइबर हब से लेकर फेज 2 से लेकर और यहीं फेज 3, ये पार्क से लगा हुआ रोड है जो है, ये भी मिलती है NH8 और एमजी रोड पे जी। तो शहर को सुनना, चूज करना पड़ेगा, नागरिकों को चूज करना पड़ेगा कि क्या हमें पानी, साफ हवा और साफ पानी, ये जरूरी है कि नहीं। और खुले हुए जंगल शहरों के लिए बहुत ही उपयोगी, वो ज़रूरी हैं। अगर वो नहीं होंगे तो मानसिक जो स्थिति हम शहर में खुशहाल लोगों के लिए शहर बनाते हैं। तो क्या इसको लेके आप अपनी आवाज़ जो है वो मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे? बिल्कुल पहुँचाएंगे, हम उनको अभी आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि इस जंगल को बचाएं
इसको मंदिर का दर्जा दिया जाए, ये हमारे सेक्रेट प्लेसेस हैं, इनको हमको बचाना चाहिए और इनके ऊपर भविष्य में कोई किसी भी तरह का कोई प्लान नहीं होना चाहिए। इस मुहिम को और आगे कहां तक लिखने से हमने पिछले 8 साल से यहाँ एक जंगल बनाया है। मैं अरावलीज के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी कि हमारे शहरों में कोई बिल्डिंग्स और रोड्स की कमी नहीं है। हम सबको पता है कि पिछले सालों से हम क्या देख रहे हैं पूरी दुनिया में और हमारे देश में भी, जहाँ बाढ़ आ रहे हैं, जहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है इसलिए क्योंकि हमने एनवायरमेंट और इकोलॉजी को सोच के कुछ नहीं किया है। हमारे आंखों के सामने दिख रहा है कि अगर हम अपने जंगल और ग्रीन्स को बचाएंगे नहीं और पानी को नहीं बचाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे हमारे शहरों में। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत रोड्स की जरूरत है, पर हम रोड्स को अपने फॉरेस्ट के द्वारा नहीं ले सकते हैं। वी कैन नॉट सैक्रिफाइस इकोलॉजी। हमें ये देखना है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, जहां दोनों साथ साथ चलें और हम अपने ही पैर नहीं काटें। मैं ये कहना चाहूंगा।